नमस्कार आदाब सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फायका जावेद और आप सब देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पॉडकास्ट होते हैं, यहाँ पे हम मुख्तलिफ शख्सियात को दावत देते हैं, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज अपना जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं, चाहे पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की बात करें, या फिर हमारे कश्मीर, भारतीय कश्मीर की बात करें, या भारत से जितने भी स्टेट्स हैं वहां से हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को भी चाहिए कि हम जैसे कश्मीर के, खासकर कश्मीर की आवाज बहुत मैटर करती है, तो कश्मीर के युवा को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया जाए। और आज हमारे साथ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत मुद्दत के बाद, हमें एक बार फिर से आप सबके चहेते डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा सर ने, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, उन्होंने ज्वाइन किया है। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप हमेशा हमारे ऑडियंस के लिए टाइम निकालते हैं और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूंगी अपनी चैनल पे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन कि आप हमेशा आते हैं। वेल, जिस मुद्दे पे आज बातचीत करेंगे, चूंकि सर खुद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर से है, सोशल एक्टिविस्ट है, वहां पे उन्होंने फ्रीडम फाइटिंग की काफी लड़ाई उनकी चालू थी, जिस वजह से पाकिस्तान में इनके साथ क्या हुआ आप सब लोगों को पता है। वेल, आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में हालात फिर से नासाजा है, ग्रेनेड चलाए जा रहे हैं लोगों पे, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सर आपसे जानेंगे क्या सूरत हाल है वहां पे, चूंकि आप ज्यादा खबर रखते हैं और आप वहां से ही है, तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आगाह करा दें। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में एक दफा फिर जो है वो आवाम सड़कों पे है, एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, यूनिवर्सिटियों को बंद किया जा रहा है और हॉस्टल्स खाली करवाए जा रहे हैं और धरने दिए जा रहे हैं। अब आज की ताजा खबर तो ये है कि कराकोरम यूनिवर्सिटी जो है गिलगित सिटी में, उसको ताहुकुमे सानी यानी इनडेफिनेट पीरियड के लिए बंद कर दिया गया है और हॉस्टल को खाली करवाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वहां पे स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वाइस चांसलर के खिलाफ और जो एडमिशन्स होते हैं उनके खिलाफ, और उसके अलावा फिर ब्रॉडर जो इश्यूज हैं आटे की सब्सिडी खत्म होने के खिलाफ, उन इन चीजों पे। तो इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान में अवामी एक्शन कमेटी है, वो स्प्लिट हो गई थी कुछ अर्सा पहले, उसके दो धड़े बन गए थे, एक धड़ा फिदा हुसैन ग्रुप था और एक यसकुद्दीन ग्रुप था। वो दोनों धड़े अब दोबारा वापस मिल गए हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में जो यूनाइटेड नेशन की अप्रूव्ड आटे की यानी गेहूं की सब्सिडी थी वो पाकिस्तान ने बंद कर दी इलीगली, और उसकी बंद होने की वजह से जो गेहूं की कीमतें हैं वो 250% बढ़ गई हैं। यानी कोई होता ना 10% बढ़ जाना, 15%, यहाँ एकदम ही 250% बढ़ गई। तो गेहूं नहीं मिल रहा और गेहूं इतना महंगा हो गया कि अगर कहीं मिलता भी है तो लोग उसको खरीद नहीं सकते, लोगों की बाइंग पावर से वो बाहर निकल चुका है। तो कल भी जो है वो चलास में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ अवामी एक्शन कमेटी का, जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे। पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जो है वो कल जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है उन्होंने मुजफ्फराबाद में अपर अड्डा एक जगह है वहां पे उन्होंने एहतजाजी कैंप लगा दिया है, और वहां पे बिजली के बिलों के बाइकाट की जो मूवमेंट है जो पिछले 3 महीने से चल रही है वो उसमें और ज्यादा तेजी आ रही है। और उन्होंने लोगों को कहा है कि बिजली के जो बिल है वो जमा नहीं कराने बल्कि वो एहतजाजी कैंप जो लगा है वहां आके दें। अब ये जो पीओजे के में बिजली के बिलों की बाइकॉट कैंपेन चल रही है, इसकी वजह से जो आजाद कश्मीर गवर्नमेंट है उसको मंथली 3 बिलियन रुपीज का शॉर्टफॉल आ रहा है, यानी वो जमा ना होने की वजह से उनके रेवेन्यू में 3 बिलियन रुपीज मंथली कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये खतरा पैदा हो गया है कि जो पीओजेके की सरकार है वो दिवालिया की तरफ जा रही है, बैंकरप्सी की तरफ जा रही है। ऑलरेडी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की सरकार ने कह दिया कि उनके पास तो फंड्स नहीं है अगले महीने की तनख्वाह देने के लिए, और उन्होंने 6.5 बिलियन रुपीज पाकिस्तान से मांगे हैं कि दें हमें, कि हम तनख्वाहें तो कम से कम दें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। आपको पता होना चाहिए कि पीओजेके में और गिलगित बल्तिस्तान में
कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पाकिस्तान ने पिछले 75 ईयर्स में, 77 ईयर्स में नहीं की, जिसकी वजह से वहां पे जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है वो गवर्नमेंट सर्विस, और दूसरा जो वहां पे एम्प्लॉयमेंट का जरिया है वो है बाहर जाना, यानी दुबई, कतर, यूरोप, इन मुल्कों में, सऊदी अरेबिया, इन मुल्कों में जाना, वहां मजदूरियां कर। तो लोकली जो है वो कोई इकोनॉमी सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं है। जैसे मैंने बताया, बिजली के बिल नहीं दिए रहे तो इकोनॉमी पूरी बैठ रही है 3 बिलियन की वजह से। तो अब देखना यह है कि जो गिलगित बल्तिस्तान में मूवमेंट चल रही है, एक्सक्यूज मी, ये आटे की सब्सिडी के खात्मे के खिलाफ, और जो पीओजे के में मूवमेंट चल रही है बिजली के बिलों पर लगाए टैक्सेस के खिलाफ, ये दोनों मूवमेंट जो है अगर कन्वर्ज होती हैं और ये एक यूनाइटेड फ्रंट बनाती हैं, तो फिर जो है वो गेम पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि फिर इनको ये मुतालबा करना पड़ेगा कि पाकिस्तान इन इलाकों को छोड़े। ये मुतालबा वो करते हैं या उस हद तक ये तहरीक डेवलप होती है या नहीं होती, इसका फैसला आने वाले दिनों में इस मूवमेंट, दोनों इलाकों की मूवमेंट्स की जो किस तरह ये डेवलप होती हैं, मिच्योर होती हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। अब इसको सेबोटाज करने के लिए जाहिर है पाकिस्तान की सरकार को वेली तो नहीं बैठी, फारग तो नहीं बैठी, वो भी लगे हुए हैं। उन्होंने पहले मुजाकरात के जरिए कोशिश की है कि मुजाकरात की दावत दे के इसको हल करें, लेकिन मुजाकरात नाकाम होते जा रहे हैं क्योंकि दे हैव नथिंग टू ऑफर। ठीक है ना, ये कह रहे हैं बिजली के बिलों पर टैक्सेस खत्म करें, वो कर नहीं सकते क्योंकि वो IMF ने लगाए हैं। उधर वो कह रहे हैं आटे की सब्सिडी बहाल करें, वो ये कर नहीं सकते क्योंकि वो भी IMF ने कहा है कि सब्सिडी सारी खत्म करें, आप अपना बजट डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट और जो डेट सर्विसिंग में आपकी डेफिसिट आ रहा है उसको पूरा करने के लिए। तो अब आगे इन्होंने पीओजे के में कोशिश की थी कि तहरीक तहफुज खत्म नबूवत के जरिए मूवमेंट को रिलीजियस बुनियादों पर डाइवर्ट किया जाए और कादियानियों के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा करके इस्लाम खतरे में है का ढोल बजा के तो लोगों को डिस्पर्स किया जाए इस मूवमेंट से। ये भी कोशिश की गई कि पीओजेके में इलाके पाकिस्तान के कुछ एजेंट घुसा के नाराबाजी करवाई जाए, कुछ खुद मुख्तार कश्मीर के लोगों को घुसा के नाराबाजी करवा के उसको स्प्लिट किया जाए। ये सारे हथकंडे के नाकाम हो गए। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में आज जो न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस छपी हैं वो ये है कि जो उलमा काउंसिल है, जो मैं आपको ये देखता हूँ एग्जैक्ट उसका नाम जो है वो मेरे पास यहाँ है, उलमा काउंसिल, हाँ उसका नाम है दीनी मशावरती काउंसिल। ये दीनी मशावरती काउंसिल जो है गिलगित बल्तिस्तान में, इन्होंने ऑफर किया कि जी हम अवाम के और सरकार के दरमियान जो है मीडिएटर का काम करेंगे, तो यानी के सहूलतकारी करेंगे ना, कि ये प्रो पाकिस्तान है ये दीनी मशावरती काउंसिल जो है गिलगित बल्तिस्तान। तो ये अब गिलगित बल्तिस्तान में कोशिश कर रहे हैं इनको यूज करने की, लेकिन ये भी कामयाब नहीं होंगे, उसमें नाकाम होंगे। गुस्सा इतना है मैं आपको बताऊं लोगों में कि कल पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर रावलाकोट गए थे अपने एक दोस्त के भाई की जनाजे में। तो जब वो वहां से निकल रहे थे अपने वजीरों के साथ कारों में, तो लोगों ने उनके रास्ता ब्लॉक करके उनकी कार पर बिजली के बिल फेंके प्रोटेस्ट में। पुलिस कुछ नहीं कर सकी, थोड़ी थी पुलिस। तो ये एंगर है कि मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में पीओजेके में लोग वजीरों को गाड़ियों से उतार के पीटेंगे भी, क्योंकि सर एंगर इतना आपको क्या ज्यादा। लग रहा है इस टाइम पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मतलब क्योंकि आप भी फ्रीडम फाइटिंग की लड़ाई लड़ रहे थे और सारे कितने सोशल एक्टिविस्ट्स, क्या लगता है आपको किस किस हद तक की लड़ाई पहुंचेगी उन लोगों की भी? देखें, ये को पहली दफा हम पाकिस्तानी रियासत से नहीं टकरा रहे, हम पिछले 70 साल से टकराते ही रहे। कभी उस टकराव में शिद्दत ज्यादा होती है, कभी कम होती है, लेकिन इस वक्त जो है मैं ये बार बार कह रहा हूं, आज मेरा आर्टिकल भी छपा है उसमें
ग्रेटर कश्मीर में, श्रीनगर में, उसमें उसका टाइटल ही ये है, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस इन POGB, कि अब मामला जो है वो बड़े सीरियस हो रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि माजी का जो एक्सपीरियंस है हमारा, वो ये है कि पाकिस्तान के मुजाहरा करके पाकिस्तान से ये मुतालबा करना कि हमें सब्सिडी दे दो, हमें बिजली के बिल पे टैक्स काट दो, या सड़कें बना दो, पुल बना दो, हॉस्पिटल बना दो, स्कूल बना दो, ये मुतालबे हम अपीलें जो करते रहे हैं माजी में पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने आज तक उन पे कान नहीं धरा, बल्कि कान धरना तो दूर की बात है, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लिहाजा मुझे ये नजर आ रहा है कि लोगों के अंदर पहली बात तो ये है कि ये खुशफहमी जो है ये अब खत्म होती जा रही है, पाकिस्तान से कुछ मिलेगा। यही वजह है कि अब POJK में ये नारा लग रहा है एक्सक्यूज मी, ये लाइन ऑफ कंट्रोल को ट्रेड के लिए खोला जाए। जाहिर है वो ये तो नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान में हम शामिल हो जाएं, क्योंकि वो तो जो कहेगा उसको उठा के ले जाएंगे, फायरिंग हो जाएगी, मार देंगे एक्सक्यूज मी। लेकिन ये मुतालबा ही, ये इंडिया और पाकिस्तान का जो लाइन ऑफ कंट्रोल का बॉर्डर है कश्मीर का, उसको ट्रेड के लिए खोला जाए, ये अपने ये इस मोर देन 1,000 वर्ड्स, यू नो। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में ये नारा लग रहा है कि स्कर्दू कारगिल खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, वो भी कह रहे हैं कि रास्ता खोलो। अब देखना ये है कि क्या नीचे से अवाम क्या प्रेशर इतना बिल्डअप होता है कि वो कहें कि ये जो तकसीम है पाकिस्तान के 22 अक्टूबर के हमले के बाद जो ये तकसीम हुई है जम्मू कश्मीर की रियासत, इसको दोबारा एक करने के लिए पाकिस्तान से आजादी हासिल की जाए। ये अब देखना है कि ये अवामी प्रेशर इतना बिल्ड होता है कि ये रिफ्लेक्ट हो, जो इन इस मूवमेंट की लीडरशिप है उसकी गुफ्तगू में ये रिफ्लेक्ट हो, ये अब देखना बाकी रहेगा। बिल्कुल सर, सही बात है। और मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब POJK और बलूचिस्तान में अमन आएगा, शांति आएगी और वो वापस से ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो हमारा एक अटूट अंग है। और उसमें आप लोग भी, POJK के लोगों को अभी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप लोग भी सामने आ रहे हैं। और हमारे भारतीयों को चाहिए कि आपकी जल्द से जल्द आप लोगों का भी सपोर्ट करें, ताकि दुनिया देखे कि POJK में हो क्या रहा है। वेल सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए जो भी POJK में होता है। क्योंकि यूजुअली कुछ लोग ऐसे यूट्यूब पे आ जाते हैं कि नहीं, POJK तो ठीक है, POJK तो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो है वहां पे, कुछ वो झूठी खबरें फैलाई जाती है। लेकिन आप लोगों के वसादत से, आप लोगों के जरिए हमें सच्चाई का पता चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अगेन बोलना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही मिलते रहेंगे हमारे पॉडकास्ट में, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू सर। जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।